दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं चाइनीज वीडियो को कॉपी करके YouTube पे अपलोड करके महीने के लाखों रुपए अर्न करना, और साथ ही साथ में आप लोग ये भी चाहते हैं कि आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक भी ना आए, ना ही आपके वीडियो में कोई क्लेम आए, तो जस्ट ये वीडियो आप लोग के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को एक न्यू चाइनीज ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आप लोग को वीडियो को कॉपी करना है और आप लोग को अपने YouTube चैनल पे पेस्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता दूँ, जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ ये ऐप बिल्कुल न्यू ऐप है, बिल्कुल ट्रेंडिंग ऐप है। सबसे पहले आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख लीजिए कि इस ऐप से भाई वीडियो को कॉपी करके YouTube पे अपलोड करने पर कितना ज़्यादा व्यूज आ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सर्च वाले क्लिक करके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ चाइनीज वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने चाइनीज वीडियो लिख कर सर्च कर दिया। यहाँ देखिए व्यूज कितना ज़्यादा जा रहा है, 8.5 करोड़, मतलब 8.5 करोड़। यहाँ देखिए 1.5 करोड़, यहाँ देखिए मतलब 7 लाख है, यहाँ तो यहाँ देखिए 4 करोड़, यहाँ देखिए 3 महीने में 3 करोड़ व्यूज गया है। और मैं नीचे आता हूँ, देख सकते हैं 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 8 करोड़, 40 लाख। दोस्तों, करोड़ में और लाख में व्यूज जाएगा जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ। ये सब सभी के सभी वीडियो जो ये लिए हैं, जो भाई यहाँ पे अपलोडेड है, ये उसी ऐप से लिया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी बता देता हूँ कि आप लोग को जिस ऐप से मैं बताऊँगा वीडियो को कॉपी करना, वहाँ से आप लोग कॉपी करेंगे और जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से अगर आप लोग कॉपी करेंगे तो आपके वीडियो पर कोई वाटरमार्क नहीं रहेगा। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर वीडियो में वाटरमार्क ना हो तो कोई भी क्लेम नहीं दे सकता है, वो वीडियो कंटेंट आपका हो जाएगा। और किस तरह से आप लोग को अपना कंटेंट वो बना लेना है, उस वीडियो को, चाइनीज वीडियो को अपना कंटेंट किस तरह से बनाना है कि भविष्य में भी आपके कोई भी चैनल पे दिक्कत ना हो, कोई भी स्ट्राइक ना आए, ना ही आपके वीडियो पे क्लेम आए, तो ये वीडियो फुल वॉच करिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं न्यू तरीके से साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो भाई व्यूज पाने के लिए बता तो देते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं बता पाते हैं कि इसके कॉपीराइट क्लेम से कैसे बचना है, क्योंकि वो माइंड में यही सोचते हैं कि मेरा तो व्यूज आएगा, अगला इंसान समझे, ये सोचते हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं जो भी बताऊँ वो बिल्कुल क्लियर के साथ बताऊँ कि आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, ना ही कोई क्लेम आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैं आगे चल के बता दूंगा जिस ऐप को मैं यूज करूँगा, वो आगे चल के वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ पर आप लोग को मिलेगा, कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है। उसके पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग को उसको डाउनलोड करना है, किस तरह से कॉपी करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, यहाँ मैं कट कर देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ऐप है, कावासाकी साहू लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, ये ऐप से आप लोग को वीडियो, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, बहुत से वीडियो, सिर्फ चाइनीज वीडियो ही मिलेगा यहाँ पे। बहुत सारे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड किस तरह से करना है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। देखिए, मान लेता हूँ ये वीडियो है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो ये तो डाउनलोड हो जाएगा, आपके गैलरी में सेव भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं साउंड को कम कर देता हूँ, सेव भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस ऐप का ना वाटरमार्क चला जाएगा, मतलब वाटरमार्क गायब नहीं होगा, वाटरमार्क डाउनलोड हो जाएगा आपके वीडियो में ही। तो आप लोग को यहाँ से डाउनलोड नहीं करना, आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। जस्ट कॉपी वाले पे क्लिक कर देना है, उसका डायरेक्ट कट कर देना है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को, ये भी मैं बता दूंगा कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक का, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिंक डाला हुआ था। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जो वहाँ से लिंक को कॉपी किया है, जिस वीडियो का लिंक जो कॉपी किया है, यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर डाउनलोड कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों, ये आपका वीडियो जब डाउनलोड होगा ना, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं एरर का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आप लोग का अगर सही से काम नहीं करेगा तो आप लोग क्या करिएगा, एक VPN यूज करिएगा। आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग VPN को यूज करेंगे तो ये कभी काल ऐसा करता है, ऐसा नहीं है कि हरदम ये करता है, कभी काल ऐसा करता है। अगर कभी काल करता है तो आप लोग क्या करिए, VPN को डाउनलोड करिए, VPN को अटैच करिए और वहाँ से इसको डाउनलोड करिए। VPN जब आप लोग अटैच कर देंगे तो ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज ऐप है ना, इसीलिए VPN का यूज कभी काल करना पड़ता है। तो इतना आप लोग को कर लेना है। उतने उसके बाद यहाँ से आप लोग जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपका वाटरमार्क तो रहेगा नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा।
तो एडिट करना है तो किस ऐप से आप लोग को करना है वो तो आप लोग अगर एडिट करते होंगे तो आप लोग तो जानते ही होंगे किस ऐप से आप लोग एडिट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जिस ऐप से एडिट करने के लिए आप लोग को बताऊंगा उसका नाम है काइन मास्टर। आप लोग काइन मास्टर अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इंस्टॉल किस तरह से करना है आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को यहां पे ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, यहां पे सबसे पहले इस पर टच करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद यहां देख सकते हैं क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे जो रेशियो च्वाइस करना है वो शॉर्ट वीडियो का रेशियो च्वाइस करना है, तो 9:16 यहाँ पे सेकंड है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली से आप लोग को इस पर क्लिक करना है और अभी जो आप लोग वीडियो को डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करते ये लास्ट पॉइंट पे जाएगा, एक बार इसको प्ले कर देंगे आप लोग तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब दोस्तों एक बार मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसका जो साउंड है उसको म्यूट करना पड़ेगा, तो सिंपली से आप लोग को वीडियो पे क्लिक करना है, मिक्सर पे जाना है और 100 पे रहेगा इसको 0 पे कर देना है, इसको अनेबल कर देना है। ये जो वीडियो है इसका जो साउंड है ये म्यूट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं म्यूट हो चुका है। अब फिर दोबारा आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे तो जो भाई ऐप का जो लोगो था वो तो नहीं आया है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, आप लोग को ध्यान से देखने में दिखाई पड़ेगा यहाँ पे जो ये वीडियो अपलोड किया है इसका चैनल का नाम है। यहाँ पे दोस्तों जिस ऐप के बारे में बताया हूँ वो वाटरमार्क हटा देता है, लेकिन जो भाई वीडियो का जो वाटरमार्क रहता है, जैसे कि मेरा चैनल है मैंने चैनल पे लिख दिया अपने चैनल का नाम लिख दिया, जैसे सोनू पासवान है सोनू पासवान लिख दिया, तो उस तरह से ये जो है ये नहीं हट पाता है, किसी भी ऐप में नहीं हटा पाता, कोई भी होता है वो नहीं हटा पाएगा। तो आप लोग को वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आना है, पैन एंड जूम पे क्लिक करना है, इक्वल पे जाना है और इसको इस तरह से इसको जूम कर लेना है, इस तरह से थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जूम कर लेना, बस हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटरमार्क गायब हो गया, बिल्कुल हल्का सा था वो भी गायब हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले मैं ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो सिंपली से आप लोग को वॉइस ओवर किस तरह से करना है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। यहाँ देखिए REC का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, जब आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ वॉइस ओवर किस तरह से करना है आप लोग को। यहाँ पे दोस्तों दो बंदे होते हैं, जब तभी बाइक से जाते हैं तभी एक कचड़े में उनकी बाइक फंस जाती है और वो निकल नहीं पाते हैं भाई, दोस्त देखते हैं बाइक को कैसे निकालते हैं, ओ तेरी ये क्या हो गया, ये तो पूरे गंदे हो गए भाई, पिछला वाला तो एकदम गंदा हो गया। इसी तरह से आप लोग को वॉइस ओवर करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से वॉइस ओवर हुआ मेरा, देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ये वीडियो क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग चाहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना तो यहाँ पे आइडियो पे जाएंगे, नीचे आएंगे फोल्डर पे अपने जाते हैं, मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे कोई भी एक डाउनलोड करा था, यहाँ पे मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही ऐड कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप लोग को वॉइस ओवर करना है और बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड करना है, जो भी आपकी इच्छा हो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने की बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो को सेव करना पड़ेगा, तो सेव कैसे करना है, यहाँ पे एरो देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पे, एरो पे क्लिक करना है और जो फ्रेम रेट है वो 1080 पे ही रहने देना है, और रेजुलेशन और फ्रेम रेट 50 पे ही रहने देना है, और जो ब्राइटनेस है ना 8 और 10 के अंदर में रखना है। यहाँ देख सकते हैं 10 के अंदर में, आप लोग 10 पे भी रख सकते हैं, ज़्यादा हाई क्वालिटी का मत रखिएगा, क्योंकि हाई क्वालिटी का रखेंगे और आपकी वीडियो कोई प्ले करेगा तो सर्च करेगा तो डिस्कनेक्ट कर, मतलब आपकी वीडियो को काट देगा, इसलिए आप लोग हाई क्वालिटी मत करें। और यहाँ सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखा दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो ऐप मैं बताया हूँ, दो ऐप के बारे में बताया हूँ, ये ऐप आप लोग को मिलेगा कहाँ पे? तो देखिए दोस्तों जो वीडियो डाउनलोडर है वो तो आप लोग को मिल जाएगा आपके प्ले स्टोर पे ही, लेकिन दोस्तों जो दूसरा ऐप है वो प्ले स्टोर पे प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां से ज्वाइनिंग करिएगा और वहां पे आप लोग को दोनों ऐप का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय।